Good morning, children. Today we are going to learn about hardware and software. A computer consists of two parts, software and hardware. Computer के mainly दो parts में divide किया जाता है, उसको classify किया जाता है, hardware and software. Software is a group of instructions. Actually, software is a group of programs, and program is a group of instructions used to process data. While hardware is the physical part that you can see and touch, but software is the not physical part. It is we cannot touch the software. Physical part hota nahi, hardware physical hota hai. To hardware ko hum touch aur feel kar sakte hai, but software ko we can't touch and feel. Okay, hardware itself is nothing without software, aur hardware software ke bina kuch bhi nahi hai. Means a dead machine, like a dead machines without software. Say, for example, a brain instructs the human body what to do and how to do and when to do. अब जैसा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि कब क्या कैसे करना है. सिमिलरली द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर हाउ टू प्रोसेस इनपुट टू गेट डिजायर्ड आउटपुट. इस तरह सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर को गाइड करता है किस तरह प्रोसेस को इनपुट लेना है ताकि डिजायर्ड जो हम चाहते हो वो आउटपुट हम ऑब्टेन कर सकें. ओके, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर. अब हार्डवेयर के अंदर ये तीनों डिवाइसेस आते हैं. इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस सारे के सारे हार्डवेयर ही हैं. इनको ऑपरेट करने के लिए जरूर सॉफ्टवेयर लगे होते हैं कंप्यूटर में, बट ये सारे डिवाइसेस हैं जो हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज. फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस. अब इनपुट डिवाइसेस, अ हार्डवेयर डिवाइसेस इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइस. वो हार्डवेयर डिवाइसेस जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को देते हैं. ओके, मींस द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, वी कैन से इट इन दिस वे आल्सो. तो वो इनपुट डिवाइसेस हुई. द इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइड अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड टू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, बाहर की दुनिया से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है उसको, ठीक है, और हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. अब इनपुट डिवाइस नहीं होंगे तो क्या हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नो, विथ इनपुट डिवाइसेस वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. ओके, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर देन कन्वर्ट इट टू एट अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. अब इनपुट डिवाइस क्या करती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को उसको कन्वर्ट करती है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश और नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता. ही अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जीरो एंड वन. सो दैट्स व्हाई द कंपाइलर विल कन्वर्ट एवरी इंस्ट्रक्शन एंड कमांड इनटू द मशीनी लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. तो कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंपाइलर इंटरप्रेटर, वो उन इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. सो कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड्स व्हाट वी गिवन टू द कंप्यूटर. ओके, एंड आफ्टर दैट इट प्रोसेस ऑन दैट एंड गिव बैक टू अस अ रिजल्ट, अ डिजायर्ड रिजल्ट व्हिच वी वांट. वी हैव लर्न अबाउट कीबोर्ड एंड माउस इन द प्रीवियस क्लास, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट सम स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन बैंक एंड सुपरमार्केट. अब कीबोर्ड वगैरह तो हमने पढ़ लिए छोटी क्लासों में, अभी हम कुछ और डिवाइसेस पढ़ेंगे जो बैंक्स और सुपरमार्केट में यूज होते हैं. टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रैपिडली सच डिवाइस इंक्लूड बार कोड्स रीडर्स, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स एंड कार्ड रीडर्स आर यूज्ड. अब जब बहुत सारा डेटा एक साथ लेना हो तो बार कोड रीडर यूज होता है. जैसे आपको पता होगा सुपरमार्केट में एक हैंड होल्ड स्कैनर लेके एक शॉपकीपर की तरह खड़ा रहता है जो हमारे सारे प्रोडक्ट को स्कैन करके उसका बिल जनरेट करता है. तो वहाँ पे वो उसके हाथ में होता है वो हैंड होल्ड स्कैनर, बार कोड रीडर होता है एक्चुअल में, और हर प्रोडक्ट पे एक बार कोड्स होती है लाइक दिस. इस तरह की कोड्स आपको हर प्रोडक्ट पे मिल जाएगी, इवन ऑन योर फ़ोन, आपके फ़ोन पे भी बार कोड्स होगी उसके बॉक्स पे. वो
बारकोड्स, ये जो बारकोड्स है ये उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। तो वो स्कैनर इसको स्कैन करके इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, डेट कौन सी थी, प्राइस एक्सेट्रा एवरीथिंग वो सारा स्टोर कर देता है। ओके, बार कोड रीडर क्या होता है, हम वो पढ़ रहे हैं। डेटा कोडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वर्टिकल लाइंस फ्रॉम द बेसिस ऑफ बार कोडिंग। अब छोड़ी ये जो लाइन है यही बार कोड से। अल्फान्यूमेरिक डेटा इज रिप्रेजेंट यूजिंग द एडजेसेंट वर्टिकल लाइंस कॉल्ड बार कोड्स। यू मे हैव सीन द बार कोड्स ऑन प्रोडक्ट्स लाइक ग्रॉसरी आइटम्स, बुक्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ओके, जैसे आपने देखे होंगे सारे प्रोडक्ट पे आपकी क्लोथ बाय करते हो आप, तो उन पे भी बार कोड्स होती है। ओके, तो बार कोड इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल बार्स दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये क्या होती है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और यूनिक वर्टिकल लाइन्स होती है इनमें, सच एज प्राइस, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। बारकोड्स डिवाइसेस आर अवेलेबल एज अ हैंडहेल्ड डिवाइसेस, हैंडहेल्ड स्कैनर या हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो होते हैं उससे स्कैन किया जाता है। फॉर एग्जांपल द कैशियर यूजेस अ बारकोड रीडर टू स्कैन द बारकोड ऑन ईच परचेज्ड आइटम विच गेट्स इनपुट इनटू द कंप्यूटर। द कंप्यूटर यूज द बारकोड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब वो वहाँ से बारकोड रीड करके कंप्यूटर को भेजता है, कंप्यूटर उस बारकोड को यूज़ करके उस प्रोडक्ट की डिटेल ले लेता है, प्राइस वगैरह व्हाटएवर, और देन आगे प्रोसेस हो जाता है। ओके, सो इट्स टू इजी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, वी विल कंटिन्यू इट ऑन नेक्स्ट क्लास। ओके।